हाय गाइस, स्वागत है आपका किसी भी स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज पर एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछा है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का, उस पर बेस रेलवे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से पढ़ने के लिए आपको लॉन्ग मेथड की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम शॉर्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करते हैं वो लॉन्ग मेथड से करते हैं, क्योंकि शॉर्ट मेथड जल्दी लगभग पढ़ावा नहीं होता। किसी का पढ़ावा भी हो तो वो इतना सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन को। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 4800 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपए हो जाती है, तो वह राशि हमको बतानी है, ऐसा हमको क्वेश्चन देता है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक के लिए हमको लिखना है 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 4800 रुपीज हो जाता है। और हमें कहा 5 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 5 वर्ष में 5600 रुपीज हो जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना बड़ा मेथड यूज नहीं करना, आपको क्या करना है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, आपको एक वैल्यू मिलेगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 0004 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला 0081। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि राशि बताओ राशि। तो इस टाइप में दो क्वेश्चन होते हैं, दर भी पूछ सकता है, राशि पूछ सकता है। तो राशि में जो हमारे शॉर्ट ट्रिक यूज होने वाली है वह है क्या करना है हमको, जो ब्रजगुणक आया है हमारे पास दोनों, तो इन दोनों का क्या करना है हमको अंतर निकालना, मतलब इसको इसमें से माइनस करते हैं हम लोग, तो हमें मिला लगभग 7200 रुपीज आया। तो 7200 रुपीज हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका क्या करें, अब राशि निकालनी है तो हमको समय का डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है, समय का डिवाइड करना है। तो 5 में से 3 गए दोस्तों, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसको काट दो, 2 से कट रहा है, काट दो, कितना 3600 रुपीज। बस सिंपल सा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे, बैंक और जो हमारे पटवारी एग्जाम्स हैं उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल और शॉर्ट तरीका यह है दोस्तों, अभी जो आपको बताया बड़ा वाला मेथड वो बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ज्यादातर स्टूडेंट उसी को यूज करते हैं, तो आप लोग उस मेथड को यूज नहीं करना, बिल्कुल शॉर्ट में हमें इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, राशि वाले और ब्याज की दर वाले क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। कोई धनराशि 2 वर्ष में 720 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्ष और अधिक वर्षों में 1020 रुपए हो जाती है, तो वह राशि बताइए, ऐसा हमको बोला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दोस्तों, देखते हैं। देखिए हमको बोला है 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 720 रुपए हो जाता है, यही बोला। फिर बोला 5 वर्ष और अधिक, मतलब 2 साल तो है, 5 वर्ष और अधिक, तो टोटल कितने हो गए, 7 वर्ष हो गए, 5 + 2 7 वर्ष हो गए। 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1020 रुपए हो जाती है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आएगा 5040, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल रहा है 2040। कोई दिक्कत नहीं, हमको सिंपल सा क्या पूछा है दोस्तों, राशि निकालने के लिए क्या करना है, जो ब्रश बनाया उसका अंतर, इसका अंतर कितना मिला हमको, 3000 रुपए, 3000 हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कितना आता है, समय का अंतर, समय कितना, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा हमारे पास, 5 कट हो रहा है, कट कर दीजिए, कितना आया हमारे पास 600। तो 600 रुपए क्या हो गया दोस्तों, हमारा आंसर हो गया। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना शॉर्ट में हो गया, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हुआ करता है ये वाला जब सॉल्व करते हैं, तो ये बिल्कुल शॉर्ट में हमारा आंसर आ गया 600 रुपए। तो अब देखते हैं दोस्तों ब्याज वाले क्वेश्चन की, ब्याज वाले क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और लगभग साधारण ब्याज के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी अपलोड कर चुके हैं हम लोग। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आई बटन पे जाकर के आप क्लिक करके देख सकते हो, और प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन हमें बोल रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 756 रुपए हो जाती है तथा 3.5 वर्षो में 873 रुपए हो जाती है, तो वह दर हमको बतानी है। तो हमसे पूछा है दर, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज रहता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेंज नहीं होता, क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहता है,
सॉल्यूशन के एंड में क्या चेंज होते हैं। तो हमें बोला है दो वर्ष में कितना हो जाता है धन 756 रुपए, ये मिश्रण कहलाता है और विषम कहलाता है। और साढ़े तीन वर्षों में साढ़े तीन को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, कितना जाएगा 7/2, मतलब 7/2 वर्ष में कितना हो जाता है 873 रुपए जाता है। बस अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एक वैल्यू मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपको एक वैल्यू मिलेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 2646 रुपीज कुछ मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6471 रुपीज। तो अब हमसे पूछा है दर, दर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है दोस्तों, क्या चेंज होता है देखिएगा इसका अंतर और उसमें रिक्त राशि में समय का अंतर। यहाँ पे लेना आपको सिंपल सा किसका मिश्र धन का अंतर ले लेना है, ठीक है। तो जो हमारे पास में अंतर आया है किसका व्रजगुणा करने वालों का, ये अंतर आया लगभग 900 रुपए के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो 900 रुपए का आया है और दर हमेशा प्रतिशत में निकलती है इसलिए हमने 16 लगा दिया। और मिश्र धन का अंतर कितना होता है, इसका अंतर आता है 117। बस इतना सा क्वेश्चन बन गया, सॉल्यूशन खत्म हो गया, कट कर दीजिए कितना जाएगा 1313 हमारा आंसर आ गया। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन दिखाया जाता है, सॉल्यूशन आप बड़े बड़े कर देते हैं, आपको बड़ा नहीं करना, बिल्कुल शॉर्ट में आंसर को निकालना है और अगले क्वेश्चन की तरफ जाना है।